हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट कौन कौन से होते हैं और फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन और कार्य क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था, एक बार आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में बताया था कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, फोरे ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या होता है। फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड मेंडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड नर्व टिश्यू से बनी एक पतली, लंबी और गोलाकार स्ट्रक्चर नुमा होती है, ठीक है, जो कि मनुष्य के ब्रेन के मेंडुला ऑब्लांगेटा नाम के भाग से शुरू होकर जो हमारी नेक होती है, यानी कि जो हमारी गर्दन होती है, तथा रीढ़ की हड्डी से होते हुए रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक जाती है, जिस हिस्से को लंबर रीजन कहा जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन जो हमारी ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी कि बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS भी बोलते हैं, यानी कि जो CNS होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। इसकी दोनों सतहों पर, यानी कि जो दोनों साइड है, उन पर एक एक खांच यानी ग्रिप्स पाई जाती है, जिन्हें डॉर्सल फिसर और वेंट्रल फिसर बोलते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के मिडिल, एक जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के मिडिल में एक नैरो कैनाल पाई जाती है, ठीक है, जिसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं। सेंट्रल कैनाल में सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। सेंट्रल कैनाल के चारों ओर स्पाइनल कॉर्ड का मोटा भाग दो भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि टू पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। भीतरी स्तर को ग्रे मैटर तथा बाहरी स्तर को व्हाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रे मैटर होता है वो नर्व सेल्स और डेंड्रास तथा न्यूरोगिलिया नर्व्स का बना होता है, जबकि व्हाइट मैटर जो होता है वो मेंडुलेट नर्व फाइबर और न्यूरोगिलिया नर्व्स का बना होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, स्पाइनल कॉर्ड बेहद ही कोमल और नाजुक स्ट्रक्चर नुमा होती है, ठीक है, इसलिए इसकी सुरक्षा रीढ़ की हड्डी द्वारा की जाती है, यानी कि इसकी जो सुरक्षा है वो रीढ़ की हड्डी करती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के ठीक बीचों बीच होकर गुजरती है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच होती है। रीढ़ की हड्डी में मौजूद सभी हड्डियां एक दूसरे के ऊपर सिलसिलेवार ढंग से इस तरीके से सजाई हुई होती है या सजाई जाती है, उनके बीचों बीच एक पतली नाली नुमा बन जाती है, यानी कि एक नाली टाइप में बन जाती है, जिसके बीच से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, ठीक है, तथा यही रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करती है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ, यानी स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबाई है वो कितनी होती है। आमतौर पर एक एडल्ट पुरुष, यानी एक एडल्ट मेल के अंदर बात करें हम स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ की, तो लगभग 45 सेंटीमीटर यानी 18 इंच के आसपास होती है। और वहीं बात करें हम फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो 43 सेंटीमीटर यानी लगभग 17 इंच के आसपास होती है। स्पाइनल कॉर्ड की डायमीटर की बात करें तो गर्दन के आसपास, यानी कि जो हमारी नेक है उसके आसपास, यानी सर्वाइकल तथा लंबर रीजन में स्पाइनल कॉर्ड की जो मोटाई है वो 13 mm होती है, जबकि थोरेसिक एरिया में 6.4 mm होती है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारे पास रीढ़ की हड्डी के 31 पेयर होते हैं और मेनिंजेस की 3 लेयर रीढ़ की हड्डी में या इस रीढ़ की हड्डी को घेरती है, यानी कि 3 परतों से ये ढका हुआ होता है, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर होती है इसकी वो ड्यूरा मेटर होती है, और जो सेकंड लेयर होती है वो आर्कनोइड मेटर होती है, ठीक है, और जो तीसरी लेयर होती है वो सॉफ्ट टिश्यू की होती है। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और इसकी लेंथ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स की, कि स्पाइनल कॉर्ड्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट, यानी इसको 5 पार्टों में बांटा जाता है। पार्ट नंबर 1 आता है इसका सेक्रल कॉर्ड,
सेकेंड नंबर है इसका लंबर कॉर्ड, थर्ड नंबर है थायरोसिक कॉर्ड, और फोर्थ नंबर सर्वाइकल कॉर्ड, और फिफ्थ नंबर इसका कोक्कीजियल। तो ये इसके पांच पार्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्पाइनल कॉर्ड के प्रत्येक खंड से कई रीढ़ की हड्डियां निकलती हैं। अगर हम इसकी अलग अलग बात करें इसकी, देयर आर एट पेयर ऑफ सर्वाइकल, ठीक है, फाइव लंबर और ट्वेल्व थायरोसिक, फाइव सेक्ट्रल एंड वन जो होता है वो कोक्कीजियल पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे जो मैंने डायग्राम लगाया इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट, कि इसके पांच जो डिफरेंट पार्ट है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहां पर अब फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स स्पाइनल कॉर्ड के दो प्रमुख फंक्शन होते हैं, यानी कि दो प्रमुख कार्य होते हैं, मेन कार्य। ठीक है, फर्स्ट है इसमें इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, सेकंड आता है इट कंडक्ट स्टिमुली कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसे हम सबसे आसान भाषा में समझे तो स्पाइनल कॉर्ड का काम यह है कि वह किसी भी संदेश यानी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, तथा ब्रेन से मैसेज वापस शरीर के अन्य ऑर्गन तक लाता है। स्पाइनल कॉर्ड आमतौर पर टू टाइप से मैसेज लाता है, सेंसरी और मोटार। ठीक है, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड लाता है और ले जाता है। इसे उदाहरण के तौर पर इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आपके पैर पर कोई हरकत होती है तो तुरंत आप समझ जाते हैं कि पैर में कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की समस्या होने पर यानी स्पाइनल कॉर्ड में अगर हमारे कोई प्रॉब्लम है तो व्यक्ति कुछ नहीं समझ पाता। इसी तरह से अगर आपके पैर हिलाना है या उठाना है तो तुरंत ब्रेन में एक मैसेज जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही यह मैसेज जाता है। ठीक है, और फिर आप अपना पैर आसानी से उठा या चला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम होने पर यह हरकत नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी तरह से संदेश का हर ऑर्गन या अंग स्पाइनल कॉर्ड पर इसी तरह निर्भर रहता है। ठीक है, जब व्यक्ति कुछ नहीं समझ पाता या अपनी मर्जी से हाथ पैर या कुछ भी इस तरह की हरकत नहीं कर पाता तो इस स्थिति को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कई कारणों से हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये होता है मेन स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन या कार्य। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इसका अभी अगला पार्ट जो हमारा एक नर्वस सिस्टम का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी हमारा इसका सेकंड जो अगला पार्ट आएगा वो आएगा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी लेके आऊंगा वो मैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।